All right, guys, this is Sorry TV and you're watching for reviews. This is Nikhil and I am Bani. Okay, no suit karda. Ekar maine suit nahi paya. Guru Randhawa ka ye gana tha jiska isse koi relation nahi hai, but ek gana aaya Arjun Tillon ka, with the name called Suits You. Matlab aap kuch bhi pehno, nahi nahi nahi, it suits you. It is anything. Not a particular suit. Not in the term of your wear, but it could be यार ये language तेरे पे suit करती है, ये hairstyle तेरे पे suit करता है, ये गाड़ी तेरे पे suit करती है, ये गाना suits you. हाँ, so this is Arjun Tillon. Female lead is Alankrita Sahai. Music दिया है Mercy ने. हाँ जी. 2 minutes 57 seconds का गाना. कुछ फालतू नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर. जो बाहर एल्बम का है, ब्राउन स्टूडियोज के ऊपर है, और भी कुछ फालतू नहीं बोलूंगा. हाँ, लिरिक्स के ऊपर तो हम वैसे नहीं बोलते इनके. मतलब First time in my life, I do not know Alankrita Sahai. मुझे मार्केट से नहीं पता, तो इसलिए let's jump into the video guys. This is 257 seconds. और आपके जो ये मिस्टर निखिल के भाई बंधु अगर इस कमेंट सेक्शन में है तो इंस्टाग्राम लिंक जरूर छोड़ते जाना. Maybe I'll find it. Don't worry about it. Alright guys, we're gonna jump into the video. This is 1, 2, 3, play. I can films. पीए काफी है ना? वो लाइक रेट्रो, जैसे होता था ना डिस्को का डीजे. नस्सो, देखते क्या? इस डीजे अर्जुन तिलों. टन 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 टन. Show mercy on it. भाई दो चीजें बोलूंगा, ठीक है. आई लव द ऑर्केस्ट्रा, जैसे ऑर्केस्ट्रा बजता है ना. तुम उसमें गए हो, तू जैन सेशन में गई है अभी? हाँ. तो दिल्ली में आई एम नॉट श्योर इफ इट हैपेंस इन पंजाब, बट हमारे स्कूल डेज में ना जैम सेशंस होते थे, JAM जैम सेशंस. तो उसमें क्या होता है, हमारे स्कूल का बैंड था और हमारे बैंड स्कूल के बैंड का जो नेम था वो था फक द नेम, FTN करके बोलते थे, फक द नेम. तो वो PHUC के लिखते थे फक, FUC के तो स्कूल में लिख नहीं सकते थे. तो वो ऐसा प्ले करते थे, मुझे याद है एक भैया थे वो डीजे पे, सॉरी ड्रम्स पे बैठे होते थे, गिटार पे था, वोकलिस्ट था, और हम क्रेजी हो गए थे. फिर वो फील आती थी, बट यहाँ पर अर्जुन टिलन बहुत यंग लग रहा है, स्कूल का बच्चा लग रहा है. उनकी ना डाउन हो रही है एज, और लड़की बड़ी लग रही है यहाँ पे. नहीं नहीं, मैंने कहा मैं जान के ऐसा बोलूंगा तो मुझे वो करेगी कि नहीं नहीं वो सुनती. नहीं, बट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, शी इज प्रीटी. ना कर शेड्स जे लाया, ना कर अखां विच अखां पाया, ना कर लिटरी तेरे नैण कुड़े हिक्कां ते वजदे आ, वाल जे खुले रखे आ कर तेरे सोहणे लगदे आ, हाय वाल जे खुले रखे आ कर तेरे सोहणे लगदे आ, हाय वाल जे खुले रखे आ कर तेरे सोहणे लगदे आ, हाय तेरे सोहणे लगदे आ, हाय तेरे सोहणे लगदे आ. ਹਾਈ ਵੇਸਟ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੀ, ਹਾਏ ਹਾਈ ਵੇਸਟ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੀ, ਕਾਤਲੀ ਅਦਾ ਹਸੀਨ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਨ ਕੁੜੇ, ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਲੰਘ ਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਨੀ ਫਿਰ ਟੌਪ ਆਫ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ, ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਲੰਘ ਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਨੀ ਫਿਰ ਟੌਪ ਆਫ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ, ਨਿਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਗੱਭਰੂ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਫਬਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ. चारे पासे यस कुड़े तू सुनदी BTS कुड़े, हर DM विच तरीफां ने जम पैरिस फैशन वीकां ते, तेरा रंग जो पीना कलाडा तेरा रंग जो पीना कलाडा नी
ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੁੱਕ ਸੋ ਯੰਗ ਯਾਰ ਹਾਈ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਓ 3AM ਟੌਪ ਸੋਹਣੀਏ ਪਿੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਸੋਹਣੀਏ 3AM ਟੌਪ ਸੋਹਣੀਏ ਪਿੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਜਣ ਮਾੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰ ਹੋ ਜਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਦਮ ਗਿਫਟ ਜੇ ਐਲ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਪੇਸ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵਾਲ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਯਾਰ अरे ब्लॉगर हो ओके भाई इस बार हमने जो प्रिंसिपल सर ने पेपर सेट किया था आसान था 100 में से 100 नंबर आए हैं हमारे 33 पे पास नहीं हुए हैं मुझे एक एक लिरिक समझ आया है देखो ये अचीवमेंट लग रही है ना बहुत ज्यादा यार मतलब उन्होंने अपना लेवल डाउन कर दिया हमारे लिए ये ना एक टाइप से ना डिफरेंट चीज थी कि यहाँ पर तुम देखिए कि डिफरेंट चीज थी कि जो लिरिक्स है ना बहुत प्लेफुल थे वेरी प्लेफुल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ना अगर मैं कैसे बताऊं एक ना लेजेंड्स होते हैं कि लेजेंड्स के ना वो एक क्या बताऊं एक स्टैंडर्ड होता है लेजेंड्स का कि हाँ यार इतना इन्हीं चीजों से आप वो बनते हो एंड वो ना कंपेयर करें मेरी पेपी थिंग से जो आजकल चल रही है मतलब मुझे अच्छा लगा गाना ये तूने जो बात बोली अभी इस बात का एक वैसे रिलेशन क्या था यार रिलेशन ऐसा था a few minutes later खैर छोड़ो नहीं मैं बताऊंगी तुमने इतना गलत काम कर गया तुमसे समझ आ गया मेरी बात का रिलेशन आप लोगों को भी समझ आ गया है मैं क्लियर आउट करूंगा कर दो जरा ओके तो सूट्स यू ठीक है गाली नहीं दे सकती मैं YouTube पे ओके द थिंग इज बीप द थिंग इज कि तुम एक सर्टन लेवल अचीव कर लेते हो और उसके बाद तुम एक्सपेरिमेंट करना प्ले करते हो ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज सक्सेसफुल कि तुम इस बीट के साथ रेट्रो बीट यूज कर रहे हो कार्निवलिश म्यूजिक है बीट म्यूजिक है इन हाउस चल रहा है और बीइंग हमें पता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ पंजाब जो पंजाबी म्यूजिक के अंदर ना लिरिसिज्म में डेडली लिरिक्स लिख सकते हैं यस सो भाई मतलब व्हाट आई से कि वीडियो वाज सो ब्यूटीफुली डन ठीक है मैंडी सिंह थे इसके अंदर म्यूजिक मर्सी नो डाउट बहुत अच्छा म्यूजिक था आपको कैसा लगा लेट्स नो इन द कमेंट सेक्शन दिस इज सूट्स यू बाय अर्जेंटेल ऑन ब्रांड स्टूडियोज वी कैन सी द नेक्स्ट वीडियो लेट्स एंड जेंटलमैन एडियोस तेज बोल दिया मैंने